नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और अनबॉक्सिंग वीडियो और इसका रिव्यू भी देखेंगे हम कि किस तरह ये काम कर रहा है। तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो है हमारा, एक मॉप का है, ये PVA मॉप है, गाला कंपनी का है। तो इसको हम चलिए खोलते हैं और देखते हैं कि ये कितना बढ़िया काम करता है। तो इसके लिए हमें ये है मॉप हमारा, इसको हम इसको पैकिंग को खोलने की कोशिश करते हैं। तो पहले पन्ने को हमने हटा दिया है और अब ये दूसरा रैपिंग है, इसको भी हम हटाते हैं। ये एल्युमिनियम का बना हुआ है, इसका रॉड जो है एल्युमिनियम का बना हुआ है ताकि इसमें रस्टिंग नहीं होगी। एल्युमिनियम और प्लास्टिक का बिल्डअप है ये, इस तरह से ये छोटा बड़ा हो जाता है ना। और यहाँ टाइट कर दीजिए तो ये लॉक हो जाता है। फिर ऐसे घुमाकर हम इसे साइज कर सकते हैं, फिर इस तरह से क्लॉकवाइज घुमा के इसको टाइट कर सकते हैं। रहा हमारा इसका रॉड, इसके बाद ये है इसका बॉडी, मेन बॉडी। यहाँ एक वार्निंग दिया हुआ है, बिफोर स्क्वीजिंग विद द प्लास्टिक रिंगर मेक श्योर दैट मॉब हेड इज़ कम्प्लीटली वेट एंड सॉफ्ट, इफ इट इज़ ड्राई एंड हार्ड देन रिंगर विल ब्रेक। मतलब तब तक हम इसे पानी में डुबाएंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अभी ये बहुत हार्ड होता है, देखिए हार्ड है, तो हार्ड पोजिशन में यदि हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये टूट जाएगा हमारा, यही वार्निंग दिया हुआ है। तो इस वार्निंग का काम ख़त्म, जान लिया हमने वार्निंग, इसे भी हम हटा देते हैं। ये हर्ड हो गया, ये हो गया, तब तक हम देखते हैं इस पर रैपर पे क्या दिया हुआ है। इम्पोर्ट डेट है, नेट क्वांटिटी 1 है, MRP 750 है, PVA मॉप है ये, और सुपर एब्जॉर्बेंट, वाटर डज नॉट ड्रिप, PVA स्पॉन्ज यूज हुआ है इसलिए PVA मॉप इसको कहते हैं। एश्योर्ड क्वालिटी, एक्सटेंसिबल हैंडल, बड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, एक्सटेंसिबल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और एब्सोल्युटली ड्राई फ्लोर के लिए है। दिस इज न्यू एंड इम्प्रूव्ड डिज़ाइन, इजी टू चेंज, रिप्लेस रिफिल, रिप्लेसमेंट ऑफ रिफिल भी यहाँ स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है कैसे करना है। नेवर ट्राई टू स्क्विज दिन ड्राई, देखिए यहाँ भी वार्निंग दी हुई है कि जब ये ड्राई हो ना तो उसको हमें स्क्विज करने का प्रयास नहीं करना है। चलिए ये हो गया इस तरह से, तो इसको भी हम अब साइड कर देते हैं। बाकी कुछ इसमें है नहीं, कस्टमर केयर का नंबर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिटेल्स दिया हुआ। चलिए अब हम इस रॉड को इसके हेड से कनेक्ट कैसे करेंगे, ये यहाँ पर दिया हुआ है कनेक्ट करने के लिए, इसमें घुसा के इसको इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाना है। एक मिनट, इसको पहले हम खोल लेते हैं, ठीक है, इसको इसमें डाल दिया। अब ये इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर अंदर जाके अब इसे हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देखिए टाइट हो गया, अब इसके ऊपर से इसके कैप को लॉक कर देंगे, ये देखिए लॉक हो गया, पूरी तरह से लॉक्ड है, यहाँ भी लॉक है, यहाँ भी लॉक है, दोनों पोजीशन आपका लॉक होना चाहिए, यहाँ और यहाँ, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पर दोनों लॉक होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लॉक होता है। अब इसे हमें छोटा करना हो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाए और यूँ स्लाइड कर दिए, यहाँ पे लॉक करना है, यहाँ लॉक कर लिए, साइज छोटा हो गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, बड़ा कर लिए, और फिर क्लॉकवाइज घुमा के क्लॉकवाइज टाइट कर दिए इसको। अब ये स्क्वीज करने के लिए इसके ऊपर एक प्लास्टिक का देखिए लेमिनेशन दिया हुआ है, यूज़ करने से पहले हमें इसे कट कर लेना है, सावधानी से इसे कट करना है। तो हमने इसके ऊपर स्पॉन्ज के ऊपर दिए हुए प्लास्टिक को हमने
जो है फाड़ दिया है। कंप्लीट लुक इस तरह का आपको मिलेगा। एल्युमिनियम बॉडी है, कहीं कहीं इसमें आयरन या स्टील होगा। ये तो यहाँ पे तो हैंड जो हैंडल है इस पर तो रस्टिंग का चांस नहीं है, इन सब जगह पर रस्टिंग का चांस हो सकता है आगे चल के। इसके अंदर भी है, स्टील है या आयरन मिक्स्ड होगा तो रस्टिंग हो सकती है इसमें। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे, पानी लेंगे और देखेंगे कितना पानी एब्जॉर्ब करता है और कितना एमएल पानी अपने अंदर ले रहा है, ये भी हम मापेंगे। तो चलिए अब उसकी तैयारी मैं कर लेता हूँ, वीडियो के अगले पार्ट में इसी को हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक बड़ी सी बाल्टी ली है और उसमें आधा बाल्टी पानी भर लिया है और उसमें मैंने इसे डुबा दिया है। अब इसका जो ये स्पॉन्ज है ना, ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है। ये देखिए पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है, बहुत हार्ड था, ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब सॉफ्ट हो जाएगा तो इसको आप इस तरह से ये इसके अंदर स्क्वीज हो जाएगा। देखिए ये रोलर्स हैं, ये रोलर है, ये रोलर है, इन दोनों रोलर के बीच में ये अंदर ये घींचेगा। तो घींचने से क्या होगा कि ये इसके कारण प्रेशर से ये स्क्वीज हो जाएगा और फिर इस तरह से ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह तो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 90% ये ड्राई हो जाएगा। तो अब हम इसे दोबारा इसमें डाल देते हैं। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया कि ये 30 सेकंड लगा इसे पहली बार पूरे हार्ड पोजीशन से सॉफ्ट होने में, इसे 30 सेकंड्स लगा। 30 सेकंड्स में ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया। तो यदि ये हार्ड हो जाता है सपोज़, तो इसको इस पर थोड़ा 30 सेकंड्स या हो सकता है फर्स्ट यूज़ में 30 सेकंड लगा है, हो सकता है आगे 10 सेकंड में 15 सेकंड में ही काम बन जाए। तो 15 सेकंड 10 सेकंड के लिए इसको पहले सॉफ्ट कर लेंगे, उसके बाद जब देखेंगे ये सॉफ्ट हो गया ना, इस तरह से सॉफ्ट हो गया, तभी हम इसे स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा। यही वार्निंग आपको हर जगह दिया हुआ है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। तो अब थोड़ी देर हम इसे, एयर बबल्स आ रही हैं, ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है अंदर में, तो हम इसको कैपेसिटी को चेक करेंगे कितना पानी ये अपने अंदर ले सकता है। तो उसके लिए हमने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। एयर बबल्स ये बता रहा है कि ये स्पॉन्ज जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। देखिए अब एयर बबल्स आना बंद हो गया, इसका मतलब इसने टोटल जितना पानी लेना था अपने अंदर इन्होंने ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसके पैरेलल में हम एक और अरेंजमेंट करेंगे। हम ये लेंगे डिजिटल स्केल, किचन के लिए डिजिटल स्केल है ये, और इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप, और इसका एक अनबॉक्सिंग गाइडेंस रिव्यू वीडियो भी हमारे चैनल पे है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इसके मदद से हम कितना ml वाटर इसके अंदर गया है उसे हम चेक कर लेंगे। तो चलिए इसका अरेंजमेंट करते हैं। इसके लिए हम इसको बगल में यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इसे हमने ऑन कर लिया है। अब इसे हम यहाँ रख देंगे, जीरो रीडिंग आ रही है, देखिए जीरो है रीडिंग। अच्छा, अब इसके ऊपर हमें कोई भी बर्तन रखेंगे जिसमें कि इसके वाटर को हमें कलेक्ट करना है। ये हमने यहाँ रख दिया इस पर। तो देखिए आप इसके रीडिंग को देखिए, यहाँ पर अभी जो वेट आ रहा है वो है 489 ग्राम्स। इसे हम क्या करेंगे, टेयर कर देंगे। अब ये 0 ग्राम हो गया, मतलब इस जो बर्तन है ना, इस बर्तन का जो वेट है वो माइनस हो गया। अब हम इसको ml में चेंज कर लेंगे। देखिए ml आ रहा है, देखिए ml आ रहा है, ml में हो गया। ठीक है, अब जो है आते हैं हम इधर, ये रहा हमारा, ये सारा पानी अभी एब्जॉर्ब कर चुका है, तो इसको हम क्यों बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, जो एक्सेस वाटर है बॉडी में उसको हम
नीचे ड्रॉप होने देते हैं, ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। अब चलिए हम इस पर आते हैं। इस पर आने के बाद अब इसे हम इस तरह से क्या करेंगे, स्क्वीज करेंगे धीरे धीरे। देखिए हम स्क्वीज करते हैं इसको, एक बार हमने स्क्वीज कर दिया है, फिर एक बार हम बाहर करते हैं इसे और दोबारा स्क्वीज करते हैं। एक दो बार इस तरह से कर लेते हैं ताकि जितना पानी ये निकल सकता है इससे तो हम इसका निकाल लेते हैं। ये देखिए इतना पानी जो है ये रिलीज़ करता है स्क्वीज करने पर, ठीक है। अब इसको हम वापस इसमें डाल देते हैं। अब हम चेक करते हैं ml, कितना ml आया, चलिए देखते हैं। 315 ml के लगभग ये पानी तो और भी लिया है ये अंदर में, लेकिन स्क्विज कितना पानी लिया और कितना पानी फिर ये स्क्विज आउट करता है वो है 315। ये पानी स्क्विजिंग का जो पावर है वो 315 आउटपुट दे दे रहा है। 315 ml है ना पानी ये हमारा एक बार में हम स्क्विज कर सकते हैं इससे, ठीक है। क्लियर हो। अब हम इसको हटा देते हैं, स्केल का काम हमारा हो गया, इसे भी हम हटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्लोर पर इसका कैसा परफॉर्मेंस है। फ्लोर पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी हम गिरा देते हैं। ये देखिए हमने पानी थोड़ा सा गिरा दिया, ठीक है। वीडियो में शायद दिख रहा होगा पानी जो है हमने गिरा दिया। अब हम मॉप लाते हैं, अच्छे से इसको पहले स्क्वीज कर देंगे, स्क्वीज करके हम अब ले आएंगे। अब इसके ऊपर हम यूं धीरे धीरे इसको आगे पीछे करेंगे इस तरह से, बहुत ही सॉफ्ट है, इस तरह से कर लिया हमने। और इसे वापस हम देखिए, ये पानी लिया इन्होंने, पानी स्क्वीज हो गया, और हो सके तो एक बार और स्क्वीज करके हमें इसे वाइप कर लेना चाहिए फ्लोर को, ताकि कुछ बचा खुचा कुछ भी रहेगा तो वो हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा मॉप में। देखिए एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं पानी जो है लगभग सारा एब्जॉर्ब हो चुका है। अब थोड़ी देर में ये फैन चला के ये सूख जाएगा, कंप्लीट ड्राई नहीं होता है। जिस तरह पोछा लगने के बाद थोड़ी देर बाद पानी जो है वो सूखता है घर में, उसी तरह से ये पोछा की तरह लग जाता है। पानी इसमें है, बस नमी मात्र है जो फैन लगाने को, देखिए ड्राई हो रही है अब धीरे धीरे, ये जो है हवा से ड्राई होना शुरू हो गया, देखिए ड्राई हो रही है। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा यदि, ये देखिए ड्राई हो रहा है यहाँ पे, देखिए ये ड्राई होने लगा। तो अच्छा मॉप है, बढ़िया परफॉर्मेंस है। कभी बच्चे या किसी भी तरह से कुछ गिर जाता है, कोई भी लिक्विड गिर जाता है, तो इसके थ्रू हम बड़ी आसानी से उसको एब्जॉर्ब करा के और एरिया को क्लीन कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो, एक अनबॉक्सिंग वीडियो रिव्यू पर, और रिव्यू प्लस गाइडेंस परफॉर्मेंस टेस्ट सारा चीज़ हमने करके दिखा दिया। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखते रहिएगा। इसी तरह कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस, घरेलू वीडियोस हम आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।